अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड चेन। आज हम फूड चेन में बना रहे हैं फ्राई कीमा, जो कि बहुत झटपट बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है कीमा आधा किलो, प्याज स्लाइस में कटी हुई, दो अदद बड़ी साइज की, टमाटर हैं तकरीबन दो अदद चॉप किए हुए, लहसुन अदरक है दो टेबल स्पून, और ड्राई मसाले हैं किसी भी लाल मिर्च दो टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, पिसा हुआ धनिया दो टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला वन टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च है हमारे पास हाफ टी स्पून, नमक वन टीस्पून है, और गार्निशिंग के लिए जो ऊपर से जो आखिरी में जो डलेगी चीज़ें वो है हरी मिर्ची बड़ी वाली पांच अदद और हरा धनिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे हाफ कप ऑयल में। ये हम हाफ कप ऑयल डाल रहे हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज कैसी हो गई, बिल्कुल इस तरह आपको भी करनी है। हम ब्राउन प्याज करते हैं, इससे कीमे में जो जायका जो होगा ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। अब इसी दौरान हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा डाल देंगे। अब कीमे को डाल के भूनेंगे। अच्छी तरह भूनना है। हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। देखिए अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर को जो है उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसके जो पीसेस हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले में। अब हम क्या करेंगे, जब हमने टमाटर डाले हैं अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि पीसेस जो है वो अच्छे नहीं लगते खाने में भी। ढक देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं, इसके टुकड़े बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अब हम आखिरी में सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह हमारा कीमा जो है वो भुन चुका है। ये देखिए प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब ये सारे ड्राई मसाले हम डाल रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा ये कीमा फ्राई बनता है। बस अब आखिरी में 5 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे ताकि सारे मसालों की अच्छी तरह से इसका अरोमा निकले मसालों का, और अच्छी तरह ये भून जाए सारे मसाले। बस अब 5 मिनट तक भून लेंगे इसको, इसको कवर करके रख देंगे। और हाँ, फिर और इसके साथ ही हम सारी हरी मिर्ची भी डाल देंगे।
अब हम इसको कवर करके रख रहे हैं। ये देखें हमारा मजेदार फ्राई कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको बताना भूल गई थी, जब मैंने सारे ड्राई मसाले और हरी मिर्च डाली थी तो उसके साथ मैंने आधा ग्लास पानी भी डाल दिया था, ताकि पानी डालने से ये होता है कि हरी मिर्च भी गल जाती है। ये देखें हरी मिर्च का कलर, वो गल चुकी है अच्छी तरह, इससे जो है खाने में बहुत मज़ा आता है और अच्छी खुशबू आती है। अब हम कीमे को डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई कीमा होता है और बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप लोग बिल्कुल इसको बनाइएगा, पराठों के साथ खाएं, सुबह आप नाश्ते में भी ले सकते हैं पराठों के साथ, दावत में ही बना सकते हैं, बहुत मज़े का कीमा होता है ये। अब हम लास्ट में हरा धनिया छिड़क देंगे। ये देखें हमारा फ्राई कीमा रेडी हो चुका है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।